फॉगलाइट कवर रिमूव करके ये टॉप मॉडल वाला कवर लगा दिया गया है, प्लस इसमें फॉगलाइट इंस्टॉल कर दी गई है। आईपीएस का प्रोजेक्टर है 160 वॉट एलईडी के साथ। मॉडल का ये स्टीयरिंग आता है, इसको रिमूव करके ये टॉप मॉडल वाला स्टीयरिंग लगा दिया गया है, देख सकते हो आप। नेम आता है क्योंकि बेस मॉडल में स्टीरियो वगैरह कुछ नहीं आता, ये रिमूव करके आप ये देख सकते हैं एंड्रॉयड लगा दिया गया इसमें विद फ्रेम ग्लॉसी फिनिश के साथ है, और ये नॉर्मल मैट आता है। आज फिर से आए हम शीतला कार एम्पोरियम, और आज जो है स्विफ्ट, स्विफ्ट में तो खास काम नहीं है। मामा क्या काम है स्विफ्ट में? पावर विंडो लग रहा है इसमें, बस डिक्की लॉक पावर विंडो। तो आज स्विफ्ट नहीं दिखाऊंगा, आज मैं आपको दिखाऊंगा बलिनो। इसमें बलिनो में पूरा पूरा काम हुआ है, ये देख लो भाई, बिल्कुल नई गाड़ी, रिबन लगा हुआ है नेक्सा का। भैया क्या कर रहे हो स्विफ्ट इसमें बलिनो में? आज बलिनो में सारा एमजीपी का सामान लगा है, ओरिजिनल जर्मन पार्ट, ओरिजिनल जर्मन पार्ट, ठीक है, सारा ओरिजिनल मार्किंग है जहां मर्जी चेक कर। अच्छा ये ग्रिल आप देख सकते हो, ये टॉप मॉडल की ग्रिल लगी है, फ्रेम देख लो। अच्छा फ्रेम भी आप देख सकते हो भाई, ये ठीक है, एचपीएस का प्रोजेक्टर 160 वाट एलईडी के साथ है, ठीक है। और इसके अंदर भी कुछ किया भैया? एलईडी डाले ना इसके अंदर, 160 वाट इसके अंदर भी एलईडी डाली है, ठीक है भाई, जला के दिखा देना एक बार, एक बार आपको आगे से चेक करा दूं गाड़ी। तो ये आप देख सकते हो भाई, इस तरह से इसके जो जो एलईडीज वगैरह ऑन हो गई, 160 वॉट ऊपर भी है, ऊपर भी 160, नीचे भी 160, नीचे भी 160 है, ठीक है। दिन में देखो इसमें बढ़िया लाइट आ रही है, सामने भी आ रही है कुछ, सामने भी दिख रही है, आप थोड़ा सा जज कर पा रहे हो, देखो डिपर विपर मार रहे भैया, गुड। तो ये इस तरह की कुछ फ्रंट प्रोफाइल है गाड़ी की। ये डीआरएल वगैरह भी डाली क्या इसमें? अच्छा दिखाना थोड़ा मैट्रिक्स में इसको करके भैया, इंडिकेटर वगैरह के साथ। तो एक बार आपको ना जरा अच्छे तरह से दिखाते हैं, ये इस तरह से कुछ आ रही है बलिनो की फ्रंट प्रोफाइल डीएलएल के साथ, फॉग लाइट वगैरह सब ऑन कर दिए। तो आगे जो मैक्सिमम हो सकता था सब कुछ हो गया काम इसमें, अच्छी लग रही गाड़ी। और अब थोड़ा सा साइड में आते हैं, आपको साइड में दिखाते हैं क्या हुआ है काम साइड में। साइड में आते हैं तो इस साइड मिरर इंडिकेटर ये आप देख सकते हो टॉप मॉडल वाला लगा हुआ है, और इसके अलावा ये पूरा क्रोम वगैरह। तो ये टॉप मॉडल वाला साइड मिरर लगाया आपने? हाँ जी, रिमोट के साथ ये फोल्डिंग भी होंगे। अच्छा बटन भी फोल्डिंग होंगे, ठीक है ठीक है। तो उसमें फिर सेंटर लॉकिंग वगैरह भी की होगी रिमोट के लिए? लॉकिंग कंपनी का इसमें लग क्या है निकोन का। अच्छा भैया का स्पेशल बोला था सेंटर लॉक कंपनी लगाना निकोन। अच्छा निकोन आया, हमने की बनाया। अच्छा फ्लिप की बनाई है इसमें, ठीक है भाई। और इसके अलावा भैया ये जो क्रोम वगैरह फिटिंग्स है एमजीपी का है, जो टॉप मॉडल में आती है सारा जर्मन पार्ट है ये, ठीक है। तो जंग वगैरह का कोई चक्कर नहीं, लाइफ टाइम गारंटी है, कंपनी में जाकर चेक करवा सकते हो, लाइफ टाइम गारंटी है ये हमने बनाया इसमें। अच्छा ये थोड़ा सा अलग इसमें कर दिया डिजाइन, वो जो नॉर्मल होता है उससे अलग कर दिया है, अच्छा लग रहा है। फ्लिप की ये सारा फिटिंग एमजीपी है। अच्छा ये देख सकते हो भाई, ठीक है। तो पूरा टोटली इसमें भी एमजीपी किया आपने ये भैया, एक बार थोड़ा सा आपको बंद करके दिखाते हैं, ये देखो। तो सेंटर लॉकिंग तो खैर कंपनी की, उसमें क्या है हमें, ठीक है रिमोट आपने बनाया है इसका, ठीक है। और थोड़ा सा पीछे आते हैं तो पीछे में ये अभी लगेगा क्या स्पॉइलर इसमें? ये जर्मन है मारुति की नट बोल्ट वाले। अच्छा ये नक्के वगैरह इसमें आप देख सकते हो भाई, इसमें कैमरा लगेगा, ये वाले कैमरा लगेगा नाइट विजन, ठीक है। और ये पार्सल ट्रे, ओके ये पार्सल ट्रे रहने वाली है, ठीक है जी। और उसके बाद आप आ जाओ रिफ्लेक्टर, ये बम्पर, ये देखो क्रोम, ये बड़ा सा क्रोम, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ ये चीज़ ऐसी, ये भी एमजीपी में आता है क्या? अच्छा ये आप रिफ्लेक्टर देख सकते हो, इस तरह से रहने वाले हैं, ये ब्रेक में और मैट्रिक्स में तो चल ही रहा है, ठीक है। और इसमें क्या कैमरा डाल रहे हो पीछे भैया? हाँ जी। अच्छा ठीक है, हमने बहुत कर लिए, हाँ शिफ्ट हमने बहुत कर लिए, ठीक है। बलिनो बहुत, बलिनो का वीडियो हमने डाले नहीं, मैंने सोचा था बलिनो का वीडियो डाल दो। चलो बाकी पीछे आप ये देख सकते हो स्पॉइलर वगैरह, अभी ये छेद कर दिए, स्पॉइलर वही नक्के से लगेगा। आपको चलते हैं अंदर लेके, बाकी ये वॉइजर वगैरह देख सकते हो कि वॉइजर वगैरह जो गेलियों के लगवाए हैं वो तरह से, बट सिंगल लेयर में भी काफी अच्छी ये जो है परफॉर्म कर रही है। अब आपको थोड़ा सा अंदर लेके चलते हैं, अंदर आते हैं तो क्रोम लीवर वगैरह ये आप देख सकते हो, और उसके अलावा स्पीकर वगैरह जो है कौन से लगे वो भी आपको दिखा देता है। इसमें जो आप देख सकते हो आगे लगे हैं कंपोनेंट और पीछे लगे हैं कॉक्सल। अब आपको लेके चलते हैं गाड़ी के अंदर, आते हैं ड्राइविंग साइड से। तो ये देख सकते हो
डैम्पिंग अंदर अंदर करवाई है भैया ने, बाहर नहीं करवाई, मतलब सिंगल लेयर हुई है। और इसके अलावा इधर आते हैं तो स्टेयरिंग चेंज करने का ही आजकल ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि रिमोट आपको पता है भाई रिफर्बिश्ड आते हैं और नॉमिनल सी कॉस्ट में थोड़ा सा ही डिफरेंस आता है, तो पूरा स्टेयरिंग ही चेंज हो जाता है, इसलिए आजकल सभी स्टेयरिंग ही चेंज करवा रहे हैं। ये सीट कवर्स आप देख सकते हो, इस तरह के सीट कवर बकेट फिटिंग में, मेरे को लग रहा है एक्स्ट्रा कुशनिंग भैया ने करवाई है इसमें। और इसके अलावा लाइफ टाइम वारंटी देते हैं भैया यहाँ पे, आप देख सकते हो हाईली रिकमेंडेड जो रहती है फ्लोरिंग। बट ये डाई कटिंग नहीं भैया ने करवाई, नॉर्मल करवाई है। मैं तो कहता हूँ भाई डाई कट वाली करवाते तो बेटर रहता, बट बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है। अंदर आते थोड़ा सा तो ये देख सकते हो, ये अपना एंड्रॉयड लगा है, ठीक है। और उसके अलावा ये गियर नॉब वगैरह, ठीक है जी। और ये ना डैम्पिंग करके लगवाते इसमें स्पीकर वगैरह, ये देख सकते हो हल्की सी डैम्पिंग शीट लगा के जिसमें ट्विटर्स वगैरह इंस्टॉल कर दिए गए हैं। और अभी गाड़ी का थोड़ा सा काम रहता है, इन प्रोसेस का काम जो मैं बात कर रहा था, स्पॉयलर वगैरह लग रहा है, कैमरा वगैरह लग रहा है, फिर मैं आपको थोड़ा सा इसका कैमरा क्वालिटी दिखाऊंगा और साउंड का आउटपुट दिखाऊंगा। बाकी अभी तक ये सारा जो है काम हुआ है गाड़ी में। अभी आर्मरेस्ट भैया कह रहे हैं वो भी लगेगा इसमें, तो वो भी आपको दिखा देंगे। और बाकी एसी की इसमें वो करवाते कि नहीं करवाते। पीछे आते हैं तो ये देख सकते हो बेस मॉडल वाला स्टेयरिंग जो कि हटा दिया गया है, फॉग लाइट कवर रिमूव करके ये टॉप मॉडल वाला कवर लगा दिया गया है, प्लस इसमें फॉग लाइट इंस्टॉल कर दी गई है। IPS का प्रोजेक्टर है, 160 वॉट LED का ये स्टेयरिंग आता है, इसको रिमूव करके ये टॉप मॉडल वाला स्टेयरिंग लगा दिया गया है, देख सकते हो आता है, क्योंकि बेस मॉडल में स्टीरियो वगैरह कुछ नहीं आता। ये रिमूव करके आप ये देख सकते हैं एंड्रॉयड लगा दिया गया इसमें विथ फ्रेम ग्लॉसी फिनिश के साथ है, और ये नॉर्मल मैट आता है। ये स्पॉयलर भी लग चुका है, इसको ड्रिल करके लगाया ना, वो ड्रिल किया हुआ था ना इसमें। अच्छा कैमरा सेट हो रहा है, रेडी है गाड़ी बाप, बिल्कुल कैमरा सेट हो जाए एक बार फिर आपको दिखाते हैं। और क्या आर्मरेस्ट लगाना रहता है, चलो आर्मरेस्ट और ये कैमरा, बस दो ही काम रह गए इसमें अब जी। फाइनली गाड़ी हमारी हो चुकी है रेडी, स्पॉयलर तो खैर मैंने आपको दिखाई दिया था, कैमरा ये देख सकते हो बिल्कुल लोकेशन में इंस्टॉल हुआ है, नाइट विजन है विद LED बीम्स। अब आपको लेके चलते हैं गाड़ी के अंदर, दिखाते हैं भाई गाड़ी में जो काम हुआ है क्या क्वालिटी वगैरह रहने वाली है। बाकी गाड़ी की ना साइड प्रोफाइल एक बार आप देख लो, अच्छी लग रही है गाड़ी काफ़ी साइड से। चीज़ आ गई हाथ में मेरे, अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। और अंदर जैसे डोर खोलते हैं ना तो देख सकते हो हल्का सा डोर पे ये एक जो डोर वाला आर्मरेस्ट होता है उस पर किया रैप, कुशनिंग नहीं की गई बट नॉर्मल रैप रहने वाला है, बाकी कुशनिंग का ऑप्शन होता है गाड़ी के अंदर। और ट्विटर वगैरह का यहाँ पे प्लेसमेंट हो गया है, लिवर्स वगैरह मैंने आपको दिखाई दिए थे, प्लस ये आप देख सकते हो मिरर फोल्डिंग वगैरह। एक बार चेक करते हैं भाई, चाबी है हाथ में मेरे, चाबी लगाते हैं, देखो भाई ये बटन दबाते मिरर खुल गए और ये बटन दबाते बंद हो गए, गुड। बाकी ये मिरर एडजस्टमेंट वगैरह भी चेक कर लेते हैं भाई, ये देख सकते हो ठीक है जी। ये हमारा ड्राइविंग वाला हो गया, इधर आते हैं तो ये हमारा बगल में जो होता है, थोड़ा सा जूम करके आपको क्लियर दिखा सकता हूँ मैं, ये देखो जी ये हो गया अपना एंड्रॉयड, आप ये देख सकते हो विथ पियानो फिनिश फ्रेम। साउंड वगैरह चेक कराते हैं क्योंकि सर्वन वेगा के आगे लगे हैं कंपोनेंट, पीछे लगे हैं कॉक्सल, साउंड चेक कराते हैं। उससे पहले जो मैं बात कर रहा था गियर नॉब इसमें तो लगा ही लगा, खैर नॉब लगा इसमें, चेंज किया गियर नॉब। और भाई रियर कैमरा क्या क्वालिटी दे रहा है, रिवर्स लगाया गुड क्वालिटी, बहुत ही क्लियर HD क्वालिटी है इसमें। बाकी विद मूविंग ग्रिड्स वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिल रहा होगा इसमें। अब थोड़ा सा आपको ऑडियो वगैरह सुनाते हैं, प्लस ये जो लगा है ना स्टेयरिंग पूरा चेंज हुआ है, इसका इंटीग्रेशन भी लगे हाथ चेक हो जाएगा। ये तो फिलहाल तो सही चल रहा है इसमें, तो थोड़ा साउंड वगैरह सुनते हैं फिर क्वालिटी भी साउंड की चेक हो जाएगी। ये 5D मैट्स देख सकते हो, फ्लोरिंग तो मैंने आपको दिखा दी थी, और ये आर्मरेस्ट ओरिजिनल बलिनो का ही आर्मरेस्ट है ये। एक बार पीछे से दिखा देते हैं आपको, पीछे से जो मैं बात कर रहा था ना आर्मरेस्ट वगैरह भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे जो है चार्जिंग सॉकेट वगैरह नहीं लगवाया भैया ने, बट ये पूरा हमारा जो है आर्मरेस्ट रहने वाला है बलिनो का इस तरह से, ठीक है जी। और ये प्रोफाइल आ रही गाड़ी की पीछे से बात करें तो। और अब आपको जो बात कर रहा था ना मैं ऑडियो की, अब मैं आपको ऑडियो क्वालिटी दिखाता हूँ इसकी, बट ये अभी थोड़ा इसका ना ये यहाँ पे लाइट वाइट मिसिंग है, वो भैया ने नहीं करवाई। ये देखो ये एक्सटेंडेड हो रहा है, और थोड़ा सा इसको भाई खोल के दिखाते हैं, ओरिजिनल आर्मरेस्ट है।
बलिनो का जो कंपनी से आता है ना वही वाला है। चलो जी अब आपको ऑडियो सुनाते हैं, आपको सुनाते हैं ऑडियो करना भाई प्ले जरा। तो ये टोटल साउंड क्वालिटी आपको सुना दी है, आगे लगे कंपोनेंट, पीछे लगे कॉक्सेल और वाइब्रेशन नहीं थी गाड़ी में बिल्कुल, बिकॉज डैम्पिंग हो रखी है वो मैंने आपको पहले चेक करा दी थी। तो ये पूरा काम हुआ है बलिनो में, सिग्मा वेरिएंट को जो टॉप वेरिएंट में कन्वर्ट किया गया है, सब कुछ जो एक टॉप वेरिएंट में आता है नेसेसरी चीज़ें सब कुछ इसमें अपडेट कर दिया गया है। ये पीछे वाला एसी वर्किंग है क्या आयुष? वर्किंग हो जाएगा करवाना चाहते हो पर लेकिन उसका पाइप कटिंग करना पड़ेगा, वो आपके ऊपर है। अच्छा मिल जाएगी इससे, ठीक है पाइप कटिंग वगैरह का। अच्छा फिर वो थोड़ा वारंटी का इशू हो जाता है, वारंटी का इशू हो जाता है, करवाना है किसी को तो करने में कोई दिक्कत नहीं है पर रिस्पांसिबिलिटी आपकी होगी। अच्छा वारंटी इशू हो जाएगा। और जो पीछे यूएसबी वो जो चार्जिंग वगैरह है वो वर्किंग है? वो कहाँ डाला है पीछे? क्या वो नहीं पीछे भैया, इसका जो कॉस्ट आता है ना आर्मरेस्ट के अलावा, वो आर्मरेस्ट के अलावा आता है, आर्मरेस्ट के अंदर इंक्लूडेड नहीं रहा। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, अगर वो आपको किसी भाई को करवाना उसमें कोई वारंटी का इशू नहीं है, उसमें कोई कपला टू कपला फिटिंग रहता है। अच्छा ठीक है, तो वही अगर आपको करवाना है तो आपको जरूर मिलेगा, सिर्फ उसका कॉस्ट 1200 एक्स्ट्रा आता है। ओके ठीक है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आज की वीडियो में और टोटल कॉस्टिंग वगैरह की एक बार बात कर लेते हैं क्या कॉस्ट है ये सारे। जैसे मैंने बलिनो का काम दिखाया, आज सर आए बलिनो लेके, तो ये अपना बेस वेरिएंट सिग्मा वेरिएंट, बेस वेरिएंट सिग्मा वेरिएंट है और इसमें हम कह सकते हैं कि आपने इसको जो है टॉप मॉडल बनवा दिया, सब कुछ इसमें जो है काम हो ही गया है, सिर्फ वो पीछे का एसी वर्किंग है करवाना है। वो कुछ कह रहे वारंटी इशू आ जाता है क्या उसमें कराने में, पाइप वाइप कट होती है तो कुछ ऐसा कुछ है? हाँ, हाँ, वो वारंटी इशू आ जाता है इसलिए मैंने उसको कराया भी नहीं है। अच्छा ठीक है, और उसके अलावा जो पीछे का चार्जिंग पॉइंट है आपको शायद रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वो भी इसमें एक्टिव नहीं हुआ? नहीं चार्जिंग पॉइंट भी मैंने अभी एक्टिव नहीं कराया। ठीक है, बाकी तो सारा ही काम हुआ है गाड़ी में। यस, यस, यस। तो क्या कॉस्ट आई है ये सब करवाने में आपको? इस सब की कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 80,000 में जो है ये सारा काम हुआ। और कितनी देर लगी भैया ये गाड़ी को रेडी होने में? गाड़ी को रेडी होने में करीब लगे अप्रोक्सीमेटली 6 घंटे। 6 घंटे लग गए हैं। काम ठीक हुआ है कोई जैसे कुछ? नहीं काम सारा परफेक्ट हुआ, बस वो आपका एक क्रोम है जो आपकी इसकी आप गार्निश बोलते हैं जिसको, विंडो क्रोम। हाँ विंडो वाली गार्निश, वो मतलब मेरे हिसाब से इफेक्टिव नहीं है। अच्छा जी, बाकी सब कुछ बेस्ट है। ओके ठीक है भाई, ठीक है, जो चीज देखिए जेन्युइन है वही हम आपको बताएंगे, बाकी सब ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा है। ठीक है, और ये जो इन्होंने जो चीजें लगाई है मारुति की एमजीपी जेन्युइन थी या कुछ इसमें? एमजीपी जेन्युइन लगाई है। आपके सामने अनबॉक्सिंग हुआ है? भी जेन्युइन लगाया है। ओके, सारी अनबॉक्सिंग आपके सामने हुई है? हां सारी अनबॉक्सिंग मेरे सामने। ठीक है, बाकी सेटिस्फाइड हो आपको? बाकी मैं कंप्लीटली सेटिस्फाइड हूं। ठीक है, तो बेसिकली आए कहां से हो आप? सोना, प्रॉपर सोना। अच्छा सोना, हरियाणा से आए? हरियाणा से। ठीक है, वैल्यू फॉर मनी आपको लगा? बाकी ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।